लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है। वहीं बिहार में सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के सारण में 20 मई को मतदान के बाद 21 मई को हुए झड़प में जहां एक आरजेडी कार्यकर्ता की मौत हो गई तो दो घायल हो गए थे। इस घटना पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के लोगों की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है और जनता इसका जवाब इन्हें देगी। इसके बाद आरजेडी के नेता मृतकों और घायलों के परिवार वालों से मिले और उनको सांत्वना दी और आश्वस्त किया कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। आरजेडी ने मृतक परिवार को 10 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। सारण में चुनावी हिंसा के बाद इंटरनेट मीडिया की निगरानी जारी है। छपरा साइबर थाना ने अफवाह फैलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए। बताया जा रहा है कि इंटरनेट बंदी के दौरान भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया गया था। सारण पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। इसके बाद शहर में इंटरनेट बैन कर दिया गया और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई। बिहार पुलिस प्रशासन हरकत में आई और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। उस पर बिना किसी के निर्देश पर सारण लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव के दिन घूमने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटना जिला का सिपाही जितेंद्र सिंह है। एसएसपी सारण से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सारण पुलिस की एसआईटी टीम ने गुरुवार को 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचकर मामले की जांच की थी और बॉडीगार्ड के मामले में जानकारी ली थी।